तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो भोसले। तुम विजय की जिंदगी से ही नहीं डिपार्टमेंट की इज्जत से भी खेल रहे हो। मजा आता है ऐसे खेल खेलने में, बहुत मजा आता है। पुलिस का ये नौजवान मेरे इस शौक के बारे में जानता नहीं था। आपने ट्रेनिंग देते हुए उसमें इतना जोश भर दिया था कि वो अपना अच्छा बुरा समझना तक भूल गया था। अब भी वक्त है भोसले। मैं जानता हूं विजय बहुत प्यारा है आपको। दिन रात ये बात आपको भी कम परेशान नहीं कर रही होगी कि विजय प्रताप भोसले की पकड़ में है। ये पकड़ और भी कसती जाएगी पांडे। अच्छा हो विजय से तुम्हारी मुलाकात हो गई, क्योंकि कोर्ट के नए ऑर्डर के हिसाब से विजय के नजदीक अब कोई भटक भी नहीं सकता। क्यों विजय सिंह, एसआई ट्रेनी बैच नंबर 26 क्राइम ब्रांच के लॉकअप में आराम कर रहा है? हाँ ड्यूटी सच्चाई हैं? तूने कभी सोचा था जिंदगी में ऐसा कुछ होगा तेरे साथ? नहीं ना, अभी तो तेरी नसों में मुझे वो जहर उतारना है जो तेरी चार्जशीट में दिखाया है। मिसाल बनने के लिए हमने नहीं डाला था उसे इस नौकरी में। विजय हमारा इकलौता बच्चा है पांडे साहब, इकलौता बच्चा। हमारा सुख तो उसकी जिंदगी में है, उसकी खुशी में है। हर माँ बाप की तरह हमारा भी बस इतना ही सपना था कि गुजर बसर के लिए वो एक नौकरी से जुड़ जाए और हमारे जीते जी उसका घर बस जाए बस। तो फिर आपने उसे पुलिस में क्यों डाला? क्या समझते हैं आप पुलिस की नौकरी को? पुलिस की नौकरी सिर्फ गुजर बसर का जरिया नहीं है। पुलिस का जवान दूसरे की जान माल की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देगा, यह कसम लेता है वो वर्दी पहनते वक्त। और मुझे खुशी है कि विजय ने पुलिस की नौकरी और उसके फराइज को बखूबी समझ लिया है। यह पहला जवान है जो अधूरी ट्रेनिंग लेकर भी पूरा सिपाही बन गया है। आपके बेटे की वजह से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा सिंह साहब। जुर्म की दुनिया के लोगों को कानून की सही पहचान होगी और कानून की दहलीज पर लगे कुछ दाग भी साफ होंगे। क्या इसका मतलब क्या है सर? हैं? आप इन ऑफिसर्स की ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं? यही लोग इस शहर को ठीक तरह से जानते हैं, समझते हैं, सावन के इस पर हमारी मदद भी कर सकते हैं। मिस्टर भोसले, आप हमें सलाह दे रहे हैं या इन लोगों की वकालत कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि नए लोगों को साथ लेकर मेरे लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आपकी ही मुश्किल को आसान करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। यस, हाँ, सेंड गुप्ता अपस्टेयर्स। आप सावंत केस की सारी डिटेल्स मिस्टर पांडे को दे दीजिए। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट मिस्टर पांडे करेंगे। लेकिन सर, ऊपर के सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। अब इस केस की सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। तो अब आप इस केस की सच्चाई खोलेंगे? कुछ नहीं होगा पांडे साहब, आपका करियर तबाह हो जाएगा। हां भोसले, हो सकता है कि इस तरह का नुकसान मुझे उठाना पड़े, शायद। मगर तुम्हारा हश्र तो वही होगा जो हर कानून के दलाल का होता है, और ऊपर जो तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं जिनकी बदौलत तुम इतने भूल रहे हो, उस वक्त वो भी तुम्हें अपनी औलाद मानने से इनकार कर देंगे।
और ऐसा शायद नहीं होगा, ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। सावन का केस मिस्टर पांडे देखेंगे और विजय सिंह का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ टोटली डिफरेंट केस। और विजय सिंह का केस हमारे स्पेशल ब्रांच के पास ही है। और विजय का केस क्या है? कानून की हिफाजत करने वाला अगर कानून तोड़ता है तो उसका गुनाह एक आम गुनहगार से बहुत बड़ा है। इस केस में विजय के साथ क्या होगा? एक कैडेट डिसिप्लिन तोड़ता है, ड्रग्स लेता है, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर का रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाता है, एक ऑफिसर को मारता है, एक को जख्मी करता है। ऐसे क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए? Daddy, he's being victimized. You know he's absolutely innocent. What's wrong with you? Why the hell are you repeating yourself again and again? बेफिक्र होकर नहीं बैठा हूँ मैं। हर कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन विजय को बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है। और जिस हाल में वो आज है, उसके लिए किसी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है। Daddy, विजय। Shut up. You just shut up and listen to me. ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उसकी? हाँ? रतन सेठी को उसके घर पर जाकर मारा उसने। पुलिस हेडक्वार्टर में जो हंगामा किया, भोसले पर भी हाथ छोड़ा उसने। अरे, he's just an under training officer. Is that any bloody way to behave with somebody who's much senior to you? मैं जानता हूँ, भोसले ने उस पर कुछ गलत इल्जाम लगाए, मगर झूठ? अरे कितना झूठ! इंस्पेक्टर गोट बोले का रिवॉल्वर लेकर उस पर फायरिंग की उसने। हाँ, हो सकता है इसमें भी कुछ झूठ हो, मगर इस झूठ को साबित करने के लिए उसने छोड़ा ही क्या? बैठो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। प्लीज डैडी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। शायद मुझे आपकी ड्यूटी और कामकाज के बारे में जरा भी समझ नहीं है। मैं तो ये भी भूल गई थी कि आप मेरे डैडी होने के अलावा और भी कुछ है। डैडी, आप विजय के लिए ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे आपके करियर पर आ जाए। मेरी सॉरी डैडी, मेरी सॉरी। भोसले ने विजय के केस को और भी क्रिटिकल बना दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम विजय की फेवर में कोई भी मूव लेते हैं तो इससे भोसले को और भी फायदा हो सकता है। और चौधरी साहब, भोसले ये सब इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि वो कानून रौंद कर चल रहा है और हम कानून पालकर। क्यों क्यों पालकर चल रहे हैं हम कानून को, और हम पा क्या रहे हैं इसे पालकर? वो लोग जिनके सिग्नेचर्स और ऑर्डर्स पर ये कानून चल रहा है, उनकी पार्टीज में मौज मस्ती करने के लिए भोसले जैसे लोग होते हैं, और उनकी मीटिंग्स में शर्मिंदा होने के लिए हम जैसे लोग। मिस्टर पांडे, अपनी ड्यूटी के नाम पर इतने सालों से मैंने अपने हाथ बांधे सिर्फ गुलामी की है। अपने फर्ज के जिस एहसास को मैं परसों पहले दबा चुका था, आज अपनी बेटी के दिल में मैंने उसी फर्ज के लिए बड़ी इज्जत देखी। मिस्टर पांडे, इलेक्शन के बाद चीजें और बदल जाएंगी, और तब विजय को बचाना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। हर मुश्किल का हल होता है चौधरी साहब। एक बात तो तय है, सच्चाई और बुराई की जब भी भिड़ंत हुई है, दम हमेशा बुराई ने ही तोड़ा है।
के पैसे मैं कर्ज पर ले रहा हूँ। बताओ भाई, अभी धंधा एकदम ठंडा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है। चूल्हा जलता है ना तेरे घर में? बाल बच्चे सड़कों पर भीख तो नहीं मांग रहे ना साले? ये कंगाली मेरे लिए ही छाई है ना। सेठी को जो 2 लाख रुपए दिए वो किधर से निकला है? साला, इलेक्शन की हवा क्या बदली, रंग बदल लिए तुम लोगों ने। देखिए दादा भाई, मेरी प्रॉब्लम समझिए, आप कहें तो मैं 50,000। अबे चुप! आप लोग अखबार की इन सुर्खियों पर मत जाइए, मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, ये सब राजनीतिक खेल चल रहा है। मेरा झूठा बयान छपवाकर कोई फायदा उठाना चाहता है। सर क्या झूठ है क्या सच है, हमारी समझ से तो बाहर है। शहर में गुंडा ताकतें खुलकर अपना काम कर रही हैं और हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने सब देख लिया है, उन लोगों ने विजय को फंसाने में इतना वक्त नहीं लिया। सर इस सिस्टम में एक बेकसूर आदमी की गर्दन कस देना बहुत आसान है, लेकिन उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल। तो फिर क्या किया जाए, आप लोग ही बताइए, कैसे क्या किया जाए, बताइए ना। आप लोगों की सलाह की बदौलत रिटायरमेंट से पहले शायद मेरे हाथों कोई बहुत बड़ा काम हो जाए। बोलिए, बोलो रवि, बोलो राणा, कामत, आप ही बोलिए। इन हालात में मुझे और कमिश्नर साहब को क्या करना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं, बेकसूर विजय को एक अपराधी का लेबल लगाकर पुलिस लॉकअप के अंदर डाल दिया गया, यह बात मेरे लिए कोई गर्व की बात है? एक सिपाही जिसे फर्ज के मायने समझाकर मैंने एक रास्ता दिखाया और वो उस रास्ते पर चलकर एक ऐसे भंवर में फंस गया जहां उसकी जिंदगी, उसका कैरियर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। विजय की इस हालत से तुम लोगों का तो सिर्फ दिल दुखा है, लेकिन यहां चोट सीधे मेरे पुरुषार्थ पर लगी है। विजय को इस भंवर से निकालने में अगर मैं नाकाम होता हूं तो इस नाकामी के तमगे को लगाकर जिंदगी काटना मेरे लिए निहायत शर्मनाक होगा।
कुर्सी, जन कल्याण के लिए कुर्सी चाहिए। उतार इसे, पांडे, उतार इसे। ये क्या है पता है तुझे? जानता है ये क्या है? राष्ट्र का गौरव है ये, हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है ये तिरंगा। इसकी पहचान को कायम रखने के लिए लाखों शहीद हुए हैं, इसके सम्मान में सर झुकते हैं, और तुम जैसे लोगों ने गले का रुमाल बना दिया है इसे। हवलदार, कपड़े निकालो इसके। ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है पांडे। ठीक नहीं है, निकालो कमीज। ये निकालो। ये ठीक नहीं है पांडे, पांडे ये ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ये पकड़ो इसे, टांगे पकड़ो। पांडे, निकाल दो इसका। चलो मुझे ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये ठीक नहीं है पांडे। पांडे सबके सामने जलील मत करो मुझे, मैं कह रहा हूँ। जल्दी करो, अब इसके निकर निकालो। पांडे, पांडे मुझे गोली मार दे, मुझे गोली मार दे, एनकाउंटर दिखा दे मेरा। निकल रहा हूं इधर। इतना जलील मत कर मुझे पांडे। इसे बिना नाड़े के निकर पहनाओ। पांडे मुझे गोली मार दे, गोली मार दे मुझे। नाड़े के साथ खुदकुशी भी कर सकता है ये, और ऐसे लोग हमारे लॉकअप में नहीं मरने चाहिए।